हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आम पन्ना की काफ़ी टेस्टी ड्रिंक बनाएंगे, जो कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाली है, सबसे बेस्ट ड्रिंक मानी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इसको बनाना। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कच्ची आमिया ली है, इसको मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कुकर लिया है। आप इसको किसी में भी बॉईल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर फ्रेश पानी डालेंगे। ये मैं 2 ग्लास इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, ताकि इस पानी का यूज़ हम लोग बाद में भी कर लें। 1 सीटी हम लोग इसको दिला देंगे। आज हम लोग आम पन्ना 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करने वाला बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आमी हमारी गल चुकी है। अब हम इसे निकाल के ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद ही हम लोग इसका छिलका उतारेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आमी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसका छिलका उतारेंगे। इस तरीके से हम लोग इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से छिलका उतारेंगे। ठंडी होने के बाद छिलका आराम से उतर जाएगा इसका। देखिए फ्रेंड्स, सब आमियों का हमने छिलका उतार लिया है। अब हम फ्रेश पानी लेंगे, जिसके अंदर हम लोग छिलके के अंदर जितना गूदा है उसको भी अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, अब हम लोग छिलके को इस तरीके से कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी गूदा है वो अच्छे से निकल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग हमारी जो आमियाँ हैं उसको भी इसी तरीके से मैश कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमारा पेस्ट बना है। अब हम ग्राइंडर जार के अंदर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये ड्रिंक पीने में काफ़ी अधिक टेस्टी लगती है, और हमारी बॉडी के लिए भी ये काफ़ी हेल्थफुल होती है। गर्मी में ये हमें लू से भी बचाती है। देखिए, अब हम इसके अंदर फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ डालेंगे, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा हमारी ड्रिंक के अंदर। पुदीने की काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी हमारी ड्रिंक के अंदर। ये देखिए, हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, पेस्ट हमारा बन के तैयार है। अब हम हमारे बाकी के बने हुए पेस्ट के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस के ऊपर हम लोग मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। गैस की फ्लेम हम लोग एकदम मीडियम रखेंगे। बचे हुए पानी को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। ये मैं 2 कटोरी शुगर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। शुगर आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसे पकाएंगे, ताकि अच्छे से पक जाए हमारा जूस। अब हम इसमें एक नींबू निचोड़ देंगे। नींबू हम लोग इसलिए निचोड़ रहे हैं क्योंकि ये जूस हम 10 से 15 दिन के लिए बना के स्टोर करके रख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जूस हमारा बनके एकदम तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हम आइस क्यूब डालेंगे गिलास के अंदर, ठंडा ठंडा जूस सर्व करेंगे। हमारा आम पन्ना काफ़ी टेस्टी ड्रिंक बनी है ये। अब हम इसके अंदर हमारे जूस को डाल देंगे। पुदीने की पत्तियां डालेंगे इसके अंदर गार्निश के लिए, ताकि हमारा जूस देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। अब हम इसके अंदर जूस को डाल देंगे। जूस को बनाने के बाद आप लोग इसको फ्रीज के अंदर रख देना। ये आराम से 10 से 15 दिन के लिए चल जाएगा। ये देखिए, मैंने सब गिलासों में जूस को डाल दिया है। अब हम इसमें ठंडा ठंडा पानी डालेंगे। ये देखिए, हमारी ड्रिंक बनके एकदम तैयार है। अब हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा और हल्का सा काला नमक डाल के हमारी ड्रिंक को सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ठंडी ठंडी आम पन्ना की ड्रिंक बनके एकदम तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको मेरी आम पन्ना की
रिंग कैसी लगी?